बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सी जो है वो आप नेक लाइन पर, राउंड नेक लाइन के ऊपर आप किस तरीके से जो है वो पाइपिंग लगा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से और आसान तरीके से। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मेरे पास फायर का फैब्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ का प्रिंट है, डिजिटल टाइप जो है वो बहुत ही नाइस है। तो इसके साथ जो है ये पिंक कलर में मैंने इसकी मैचिंग में सिंपल फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि मैंने इसको राउंड शेप में नेक लाइन को जो है वो कटिंग की है, और पेस्टिंग पेपर को के साथ जो है मैंने उसके साथ आयरन के साथ इसको ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पर जो है सिंपल फैब्रिक लेकर इसको मैंने इस तरीके से शर्ट के साथ बैक साइड पे जो है इस तरीके से रख के, तो हमने इसको क्या करना है, सिंपल तरीके से बिल्कुल ईजी तरीके से हमने इसको स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग हमने जो है बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के ऊपर हल्के से बिल्कुल थोड़े से मार्जिन के साथ जो है हमने इसके ऊपर रख के, तो इस फुल नेक लाइन के ऊपर हमने राउंड शेप में इसकी सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप जो है किसी भी शेप में नेक लाइन के ऊपर इस तरीके से आप जो है पाइपिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर फुल जो है वो हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ जो है नेक लाइन के हमने जो फैब्रिक है इसको हमने कटिंग कर लेनी है साथ साथ से, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है फोल्डिंग हमारी अच्छे से आए। इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो है कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है, लेकिन उससे पहले जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारे नेक लाइन की कटिंग है उसे मार्जिन रख के हमने फैब्रिक को जो है वो काट लेना है, और इस तरीके से हमने इसको फोल्डिंग कर लेनी है। फोल्डिंग करने से पहले आप उनको चाहिए कि अच्छे तरीके से आप इसको आयरन कर लें, ताकि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आप इस तरीके से पहले आप इसको आयरन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ हमने इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से जो है आप इस कोई इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं नेक लाइन के ऊपर। यहाँ पर आप देखें इसकी जो है स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड से क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से फोल्डिंग करके इस तरीके से फैब्रिक को आयरन कर लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने इसको जो है वो आयरन कर लिया, अब हम इसकी तरपाई कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसकी तरपाई करूँगी, आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो सिलाई भी लगा सकते हैं बिल्कुल साथ साथ इस फैब्रिक के ऊपर। यहाँ पर आप देखें मैं जो है वो तरपाई कर रही हूँ, आप भी इसके तरीके से फिनिशिंग के साथ अगर आप तरपाई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी स्टिचिंग आएगी। ये जो है मेरी तरपाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बैक साइड से भी इसकी बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग आई है बिल्कुल नीट तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी जो है वो आइडियाज़ लेकर आऊँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।